हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम अपना नंबर फॉर्मेशन पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में नंबर फॉर्मेशन के बारे में बताया था। नंबर फॉर्मेशन के मैंने अलग अलग पार्ट्स आपके सामने डिस्कस किए कि नंबर फॉर्मेशन के कितने टाइप के पार्ट्स हो सकते हैं या कितने टाइप का नंबर फॉर्मेशन हमारा होता है। ठीक है, नंबर फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होती है ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है और आई होप आप सबने बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस रिवाइज करे होंगे। ठीक है, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में करवाए हैं अब तक के क्वेश्चंस या फर्स्ट चैप्टर आप कह सकते हैं नोइंग आवर नंबर्स, जो आपका चैप्टर है क्लास 6 का, आप ये एनसीईआरटी बुक में से जो जितने भी फर्स्ट चैप्टर में से मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपने वो अब तक अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, वही नंबर फॉर्मेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 4 आज इसका लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 4 नंबर फॉर्मेशन इसका लास्ट टाइप हम देखेंगे कि इस ये किस टाइप का है। ठीक है, मतलब इसमें क्या करना है हमें, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, सबसे पहले ये याद है कि आप कितने नंबर्स बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए टेक टू डिजिट से 2 and 3, आप क्या करेंगे, क्या कहा इन्होंने, टेक टू डिजिट मतलब दो डिजिट आप लेंगे और वो कौन कौन से लेंगे, आप मान लो आपने 2 और 3 ले लिया। ठीक है, आपने 2 डिजिट लेने हैं और उनमें से आपने कौन कौन से डिजिट लिए हैं, 2 और 3 को आपने मान लिया है कि आप 2 और 3 दो डिजिट ले रहे हो और इनका हमने क्या करना है, देखते हैं। मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, इसने क्या कहा है, मेक 4 डिजिट नंबर, आपने क्या करना है, ये जो 2 नंबर है आपके 2 और 3 इनसे क्या बनाना है, एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, इनसे क्या बनाना है, एक 4 डिजिट नंबर बनाना है और यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम, और दोनों को क्या करना है, अगर एक नंबर को आप दो बार रिपीट करते हैं, जैसे आपने 2 को 2 टाइम्स आपने रिपीट किया तो आपको 3 को भी 2 टाइम्स ही रिपीट करना होगा। मतलब आप एक डिजिट को जितनी बार रिपीट करते हैं आपको दूसरे डिजिट को भी उतनी ही बार रिपीट करना है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ, क्या कहा मैंने, एक डिजिट है मान लो आपके पास 2 है, जैसे अगर आप उसको 2 टाइम्स रिपीट करते हैं और दूसरा नंबर आपके पास 3 है तो आप उसको कितने टाइम्स रिपीट करोगे, जितने टाइम्स आपने पहले वाले डिजिट को रिपीट किया है। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन यू मेक इन ऑल, आपने क्या नंबर सपोज किए थे, क्या डिजिट सपोज किए थे आपने 2 और 3, अब क्या बनाना है उनसे हमें, अब एक तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। पहले आपने क्या करना है, वही 4 रोज के साइन लगाने। ठीक है, और इनके बेसिस पर क्या आता है, 1, 10, 100 और 1000। ठीक है, और हमारे पास नंबर कितने हैं, 2 और 3। अब इन दो नंबर से हमें, यानी इन दो डिजिट से हमें एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, और उसने क्या कहा था, एक डिजिट का कितनी बार रिपीट करोगे, दूसरे डिजिट को भी आपने इतनी बार ही रिपीट करना है। ठीक है, मान लो मैं 1000 के प्लेस पर पहले 3 को फिक्स करती हूँ, आप एक काम कीजिए, आप नोटबुक और पेन निकालिए और मेरे साथ ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यानी इसको ट्राई कीजिए कि आपने बन पाता है या नहीं बन पाता है। ठीक है, मैंने आपको इस टाइप के करवा रखे हैं पहले क्वेश्चन। ठीक है, ये फिक्स करने वाले, एक 1000 के प्लेस पर एक डिजिट को फिक्स कीजिए और बाद में उनकी चेंजिंग कर दीजिए। ठीक है, उनको रिप्लेस कर दीजिए, कितने टाइप के नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, फिक्स करने पर, फिक्स करने पर थोड़ा सा ईजी हो जाता है और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। ठीक है, इससे ज्यादा ईजी तरीके से आप नंबर मेक कर सकते हैं। पहले हम 1000 के प्लेस पर 3 को फिक्स करके देखते हैं। 1000 के प्लेस पर मैंने पहले 3 को फिक्स किया, ये तो अब हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब हमारा क्या बच गया, 3 और 2, 3 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो उसको दोबारा रिपीट कर दीजिए, 1 और 2 बार रिपीट हो गया। अब हमारा कौन सा नंबर है, दूसरा 2, तो ये हो गया 2, 3 तो फिक्स है, 3
छोटा आता है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा आता है, फिर सबसे बड़ा आता है। ठीक है, ऐसे छोटे से शुरुआत करके और लास्ट में क्या आता है, सबसे बड़ा नंबर आता है। या नंबर मान लीजिए आप, कोई भी चीज मान लीजिए, ठीक है, सबसे बड़ा। तो इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब जैसे ये देखिए, ये वन सबसे छोटा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा है टू, इससे थोड़ा सा बड़ा है थ्री, इससे थोड़ा सा बड़ा है फोर, और सबसे बड़ा फाइव। यानी ऊपर क्यों जा रहा है, यानी बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, छोटे से पहले छोटे से स्टार्टिंग होगी, फिर लास्ट में क्या बड़े पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी ऊपर बढ़ते हुए। तो ये क्या हुआ हमारा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। थोड़ा सा आगे बढ़ते आप देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। यानी ग्रेटेस्ट से हम शुरुआत करते हैं और लास्ट में हम कहां पर पहुंचते हैं, स्मॉलेस्ट पर। यानी हम सबसे बड़े नंबर से स्टार्टिंग करते हैं और लास्ट में पहुंचते पहुंचते हम छोटे नंबर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, सेवन से स्टार्टिंग है, सेवन, फिर उसके बाद थोड़ा सा छोटा सिक्स, उससे थोड़ा सा छोटा फाइव, सबसे छोटा कौन सा होगा, वन। तो क्या किया हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्या किया, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिया, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, यानी घटता क्रम। ठीक है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते। अभी भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के, इन्हें बनाते हैं। ठीक है, इन्हें बनाइए मेरे साथ। जैसे पहला क्वेश्चन है 5 9 4 6 1 2, कुछ डिजिट दिए आपको, आपको पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे छोटा, फिर से थोड़ा बड़ा, फिर से थोड़ा बड़ा, और लास्ट में जाते हुए सबसे बड़ा। ठीक है, इसका असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा है, 5 9 4 6 1 2, तो सबसे छोटा तो है वन। वन से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, टू। टू से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, फोर। और फोर से बड़ा फाइव। फाइव से बड़ा सिक्स। सिक्स से बड़ा, सबसे बड़ा नाइन। तो ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं। नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिए और मेरे साथ इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। आप इसमें क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, बनाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा। एक काम कीजिए, जो असेंडिंग ऑर्डर बनाया है उसे उल्टा कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी को आप उल्टा लिख दीजिए, यानी पीछे से स्टार्ट कर दीजिए, 9 5 4 2 1। ये क्या हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर ये सबसे छोटा। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 12 14 16 19 21 5। इसमें क्या करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, फाइव। फाइव सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है इसमें, ट्वेल्व। ट्वेल्व से बड़ा फोर्टीन, और फोर्टीन से थोड़ा सा बड़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन से थोड़ा सा बड़ा नाइनटीन, और नाइनटीन से बड़ा, यानी सबसे बड़ा कौन है, 21। ठीक है, ये क्या होगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी चाहिए तो असेंडिंग ऑर्डर जो आपने बनाया है उसे उल्टा कर दीजिए या पीछे से इसकी स्टार्टिंग कर दीजिए, 21 19 16 14 12 एंड 5। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 7 9 20 35 18 12। असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं, पहले सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको इसमें,
21, 28, 25, 15, 13, 6, 5. Okay? आज का हमारा पूरा खत्म टॉपिक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको करवाया. नंबर फॉर्मेशन तो खत्म हो गया, ठीक है. तो इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिएगा और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है. और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक भी लेक्चर मिस मत कीजिए, ठीक है. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच.